इजराइल और हमास के बीच जारी जंग को लेकर दुनिया दो गुटों में बंट चुकी है। एक ओर जहां दुनिया इजराइल का समर्थन कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले देशों और लोगों की भी कहीं कोई कमी नहीं है। इसी बीच आधी रात को रूस के दागेस्तान में एयरपोर्ट पर फिलिस्तीनी समर्थक में भीड़ के उपद्रव मचाने और अल्लाह अकबर के नारे लगाने को लेकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भड़क गए हैं। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसके पीछे पश्चिमी देशों और यूक्रेन पर रूस के अंदर अशांति फैलाने का आरोप लगाया है। दरअसल यह घटना रविवार आधी रात की है, जब इजराइल से एक विमान के पहुंचने की खबर पर भीड़ एयरपोर्ट में घुस गई थी। भीड़ का मकसद यहूदियों को निशाने पर लेना था। इसके बीच ही आरोप यह लगाया गया है कि भीड़ में मौजूद लोगों ने यात्रियों के पासपोर्ट भी चेक किए हैं। 29 अक्टूबर की आधी रात को रूस के दागिस्तान क्षेत्र में एक एयरपोर्ट पर भीड़ के हमले से पूरी दुनिया स्तब्ध है। इजराइल और हमास में चल रही जंग के बीच रूस में इस तरह की पहली घटना सामने आई है। इजराइल से एक विमान की लैंडिंग की सूचना पर भीड़ ने एयरपोर्ट पर हमला बोल दिया था। लोगों की भीड़ रनवे पर यहां दौड़ती नजर आई। इस घटनाक्रम पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी बयान जारी किया है और घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि यह एक नरसंहार जैसा लग रहा था। आपको बता दें कि रूस के दागिस्तान में एयरपोर्ट पर फिलिस्तीन के समर्थकों द्वारा उत्पात मचाए जाने और यहां पर काफी ज्यादा जो है वो माहौल अशांत करने को लेकर पूरी दुनिया जो है वो हैरान है, और अब इसको लेकर जो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है वो काफी भड़क चुके हैं और उन्होंने इसके पीछे पश्चिमी देशों और यूक्रेन पर रूस के अंदर अशांति फैलाने का आरोप लगाया है। आप इस मसले पर क्या सोचते हैं, हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए साउथ ब्लॉक डिजिटल। नमस्कार।